सो ये देख पा रहे हो भाई पूरा ऐसे इतने भयानक तरीके से लटके हुए हैं पूरे पानी ये जम के, और ये बह रहा है अभी। मुझे लग रहा है एक आध हफ्ता तुम लोग मैंने क्या क्या पहना है, एक मफलर पहना है, ऊपर से हुड पहना है, फिर अंदर से पहना है, फिर अंदर से पहना है, चार चार चीजें पहनने के बाद बिना ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। पानी यहाँ पे रख दिया है, इसको रखते हैं रात भर के लिए, अब सुबह यहाँ पे आके देखते हैं कि ये जमता है फिर नहीं। वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो गाइज, इट्स उरूस। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल पे देख लिया होगा कि -2 डिग्री सेल्सियस, तो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा सबूत के साथ कि भाई नैनीताल में कितना ज्यादा ठंडा हो रखा है। अभी मैं आप लोगों को कुछ भी बता दूंगा ना मुंह से बोल के, तो आप लोगों को उतना ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आ पाएगा कि कितनी भयानक ठंड इस समय हो रही है। मैं फिर भी एक सिंपल सी एक हुडी में खड़ा हूं, जबकि आज अभी बाहर टेम्परेचर 5-6 डिग्री चल रहा होगा। समय इस वक्त 11 बज चुके हैं एंड अभी मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूं घर के पीछे। मम्मी वैसे कह कह के परेशान हो गई कि घर के पीछे चले जाए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वहां पे ना रात को पूरा ऐसे पानी जम जा रहा है, पूरे टीनों के नीचे ऐसे पानी ऐसे बह रहा है भाई। तो ये सारी चीज आप लोगों को दिखाऊंगा, तब आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ पाएगा पूरा एग्जांपल के साथ कि नैनीताल में इस वक्त कितना भयानक ठंडा हो रहा है भाई। एंड साथ ही साथ जब भी स्नोफॉल पड़ेगी, जो भी छोटी मोटी अपडेट्स होंगी नैनीताल की, जितने भी अच्छी अच्छी जगहों के व्लॉग्स हैं, सारे ही हमारे ही चैनल पर मिलेंगे। तो भाई एक बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं करते होगे तो 60-70% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं करा भाई, इतने मस्त मस्त कॉन्टेंट मैं आप लोग लेकर आऊंगा। तो अभी मैं आप लोग को विद एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करूंगा कि नैनीताल में इस वक्त कितनी भयानक ठंड हो रही है। सो बिना देरी करे लेट स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो ये देख पा रहे हो भाई पूरा ऐसे इतने भयानक तरीके से लटके हुए हैं पूरे पानी ये जम के, और ये बह रहा है अभी। मुझे लग रहा है एक आध हफ्ते, कितने दिन से जमा होगा मम्मी ये रोज। देखो मम्मी यहाँ पे है हमारे घर के पीछे वाली एरिया, ये मम्मी दिख रही है यहाँ। मैं पानी खोलने जाती हूँ ना तो ऐसे जमा रहता है वो, हमेशा ऐसे जमा रहता है। हाँ ऐसे जमा रहता है। अच्छा, और ये पेड़ में देख पा रहे हो यहाँ पे इतने बड़े बड़े ये लटके हैं, वो पानी ऊपर से बह रहा ना तो सब ये बह गया थोड़ा। और यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत ज्यादा बर्फ है भाई, पूरे में बर्फ जमी हुई है, बहुत ज्यादा बर्फ जमी है भाई यहाँ ऊपर इसके ऊपर। ये मतलब नॉर्मल जगह है भाई, हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना उस पर ये हाल है, समझ रहे हो। फिर तो पानी इतना जमा हुआ है भाई, यहीं रहते हैं हम लोग, ये बिल्डिंग का पीछा वाला एरिया है, यहाँ पे पानी जमा हुआ है भाई, यहाँ पे पानी जमा हुआ है देख पा रहे हो, इतने बड़े बड़े लटके हुए हैं पूरे ऐसे पानी के। और यहाँ सारे मैंने टंकियाँ रखी हुई हैं बिल्डिंग की सारी ऊपर तक, एंड यहाँ पे भाई पानी वानी ऐसे जमा रखा है ना क्या बताऊँ मैं, देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका हूँ। जैसे कि आप लोग देख भी पा रहा होगा इतनी भयानक बर्फ़ यहाँ पे हो रखी है, इसके ऊपर भी इतनी भयानक टीन में बर्फ़ जमी है, जबकि अब धूप आ रही होगी, देख पा रहे होगी धूप आ रही है बढ़िया यहाँ पर, एंड उसके ऊपर वाली टीन में भी शायद से थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पे लटकी हुई बर्फ़, ये दिख रही होगी। देखो ये दिखा रहा हूँ मैं, जो ये उंगली दिखेगी नहीं, इतनी भयानक बर्फ़ लटकी हुई है यहाँ पे, रोज़ जमती है ना मम्मी, इतनी मोटी मोटी लेयर है जैसा कि अभी मैं पीछे से रिकॉर्ड करके आ चुका हूँ भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी कि भाई टीन में इतने बड़े बड़े पानी के जम रखे हैं भाई, जबकि धूप आ रही है और रोज धूप पड़ती है तो वो फिर से पिघल जाते हैं एंड फिर से वो वापस से इतने हो जाते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि पानी ऐसे जम कैसे सकता है भाई, मतलब वो तो लिक्विड होता है ना तो नीचे बह जाता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर में ठंडा है कि मतलब पानी वहीं पर ही उसी पोजीशन में अटक जा रहा है भाई, जम जा रहा है जैसे मैंने आप लोग दिखाने की पूरी कोशिश करी। तो ठंडे का लेवल बहुत ज़्यादा है एंड एक्सपेक्टेड करा जा रहा है कि अभी थोड़े दिनों बाद कल भी थोड़ा मौसम खराब रहेगा एंड संडे से तो बहुत ज़्यादा मौसम खराब है, तो स्नोफॉल की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी उस टाइम पर। तो जो भी छोटी मोटी अपडेट्स होंगी उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, तभी चलेंगे घर से बाहर। एंड मैं सोच रहा हूँ आज की इस वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट भी करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ, तो अगर होता है तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। सो चलते हैं अभी बाहर एंड बाहर चल के सारी चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। सो भाई थोड़ी देर बाइक को भी ऐसे छोड़ना पड़ता है क्योंकि ना पेट्रोल भी जम जाता है भाई, तो चलते चलते बाइक मिसिंग करने लग जाती है ठंडे की वजह से, तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है भाई। एंड अभी तो 1 साल होने वाला है मेरी बाइक लिए हुए, 1-2 दिन बाद नई बाइक भाई, किसी को खरीदी तो बता सकते जस्ट जोकिंग गाइस। ये अभी थोड़ी देर धूप सेक लेता हूँ, नाक से आंसू बह गए भाई ठंडे में, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना वेंकर की, अभी थोड़ा धूप में तो थोड़ी जान आई है भाई, बाइक से आ रहा हूँ क्योंकि अभी जा रहा हूँ अपनी बिजनेस को टेक केयर करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा मैं नया बिजनेस खोला था थोड़े दिनों पहले, एंड अभी थोड़ी देर धूप सेकता हूँ फिर चलता हूँ आगे एंड सारी चीज़ दिखाता हूँ। सो भाई अब जितनी भी सजावट करी थी ना तो सब खोल रहे हैं देखो, और यहाँ का जो माहौल है भाई देख सकते हो, इतनी बढ़िया धूप आ रही है भाई सुबह सुबह, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना प्लेन्स में और ठंड में, और यहाँ की ठंड में यही तो फ़र्क है कि वहाँ की ठंडों में भाई एकदम कोहरा लगा रहता है और यहाँ की ठंडों में भाई बिल्कुल धूप आती बढ़िया, तो दिन भर आप धूप सेक सकते हो और शाम को हीटर वगैरह सेक सकते हो, तो आप आराम से अपनी ठंडियाँ गुजार सकते हो। नहीं तो पता नहीं भाई लोगों का कहीं होता है धूप नहीं आती यहाँ पर भी, प्लेन्स ऐसा हो जाता तो है ना, एंड बहुत अच्छा मौसम हो रहा है इस समय। बट ये अभी भी 5-6 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि अभी सुबह के मतलब अराउंड 12 ही बज रहे हैं एंड ज़्यादा टेम्परेचर है नहीं इस वक्त,
एंड बस ये है कि धूप आ रही है तो थोड़ा आदमी ना बेयर कर लेता है ठंडा, वैसा कुछ है माहौल भाई, ज़्यादा कोई ट्रैफिक कोई टूरिज्म कुछ खास बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते हैं अभी आगे। सो भाई मैं आ गया हूँ मार्केट, मैंने बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है एंड अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत है आपको माहौल दिखाते हैं नैनीताल का। ऐसा हो गया भाई, मैंने कहा शाम का तो थोड़ा बहुत आपको व्यू दिखाते हैं फिर घर चलते हैं, एंड जो मैंने एक्सपेरिमेंट बोला था वो ज़रूर से करेंगे आज हम। एंड ठंड का भाई ऐसी बर्फीली हवाएं हैं ना आज, तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, अलग ही इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं आ चुका हूँ नैनीताल के लेक के पास और जो हवाएं फील हो पा रही हैं इस वक्त मुंह पर वो इतना ज़्यादा ठंडा महसूस करवा रही है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा, अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। पहले तक तो लग भी नहीं था कि जनवरी की ठंड हो रही है, बट एक्चुअल में जो सच में जो ठंड होती है जनवरी की वही वाला एहसास इस समय हो रहा है। एंड लेक के पास में खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया नज़ारा यहाँ पर से दिख रहा है भाई, देख पा रहे हो कि बहुत टाइम बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, यहाँ से बोटिंग होती है पैडल वाली। तो हमारे साथ शदाब भाई भी हैं, तो शदाब भाई का अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करें। शदाब भाई कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे पब्लिक को ठंडे के बारे में? मैं अपने उरुज भाई के सब्सक्राइबरों को ये बताना चाहता हूँ गाइस, दिन में इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, धूप बढ़िया, ये पहन के नहीं घूम रहा था मैं। हाँ जैसे 5 बजे का 4:30 बजे टाइम हुआ ना तो इतना ठंडा बिकट लगने लगा, एकदम ऐसा गीला गीला पाला पड़ लिया ना। अरे भाई आप लोगों को बता नहीं सकता। आप नैनीताल में अगर घूमने के नहीं आ रहे ना धूप धूप में, तो आ जाइएगा सुबह शाम के टाइम के, हम आपसे गारंटी नहीं लेते कि शाम में मौसम अच्छा होगा, क्योंकि एकदम जो है ना नैनीताल का मौसम रुख चेंज कर देता है बिल्कुल ही बहुत। तो इस टाइम देख रहे हो कितना ठंडा है, मैं आपको दिखाता हूँ तो मैंने क्या क्या पहना है। एक मफलर पहना है, ऊपर से हुड पहना है, फिर अंदर से पहना है, फिर अंदर से पहना है, चार चार चीज़ें पहनने के बाद भी ना ठंडा लग रहा है। उसी के साथ उरुज भाई भी चल रही बड़ी बड़ी जैकेट पहना है, देख पा रहे होगे तो मैं भी देख पा रहे होगा, आज तक आपने देखा नहीं होगा मैं टोपा लगा के घूमते हैं भाई, ठंडा लग रहा है ना, पूरे कान सुन पड़ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ था बाहर टीन के उसमें, जैसे मैंने आप लोग दिखाया था, तो आज मैं इसमें रखूंगा पानी एंड आप लोगों को दिखाता हूँ सुबह को कि इसमें पानी जमता है या फिर नहीं जमता है। तो एक्सपेरिमेंट कर दूंगा भाई, ये भाई ऐसे इनोवेटिव आइडियाज मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा आते हैं, तो आज ट्राई करके देखते हैं कि इसमें जमता है या फिर नहीं जमता है पानी। तो जो भी होगा आपका रिजल्ट मैं बताऊंगा, तो चलते हैं बाहर एंड आप लोगों को दिखाता हूँ। सुबह घर के बाहर आ चुका हूँ और टेम्परेचर देख सकते हो भाई, इस वक्त 1°C हो रहा है। तो चलते हैं बाहर, मैं घर के पीछे रखता हूँ उसको भी। सुबह अभी मैं आ चुका हूँ घर के पीछे एंड यहाँ पे मैं पानी रखा हूँ, एंड ऊपर देख सकते हो पेड़ है थोड़े बहुत, बट कोई बात नहीं यहीं पर रख देता हूँ इसको इस जगह पर। सो भाई पानी यहाँ पे रख दिया है, इसको रखते हैं रात भर के लिए, अब सुबह यहाँ पे आके देखते हैं कि ये जमता है फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, जो भी इसका रिजल्ट होगा वो कल वाली वीडियो में मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, अगर सब्सक्राइब नहीं करते जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। अबे अबे रुक जा, हंसी आ गई, रुक जा, अबे एक मिनट रुक जा, अबे मत कर।